तो हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो तो भी सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपको बाद में भी काम आएगी लगने के बाद। और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो यहाँ पे जॉब की अपडेट तो आपको मिलती रहती है, ये तो आपको पता ही है। तो ये चैनल एक तरीके से हरियाणा में नौकरी देखने वाले, नौकरी करने वाले सबके लिए ये चैनल अवेलेबल है। आज बात करेंगे एक्स ग्रेशिया की, एक वीडियो आ चुकी है। रूल नंबर 4 में मैंने बता दिया था कि क्या कंडीशंस होती है एक्स ग्रेशिया के लिए कर्मचारी की। अब है कुछ इसकी डेफिनेशन होती है कि कब क्या मिलेगा, किसको नौकरी मिलेगी, किस लेवल की नौकरी मिलेगी, कि क्या कंडीशंस है, कुछ और भी है, परिवार से क्या मतलब, आश्रित से क्या मतलब है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप देख लेना, और पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो इधर मिल जाएगी, आई बटन में ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और जब वीडियो खत्म होगी तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी। देखो, 5 नंबर रूल का पहला क्लोज क्या कहता है कि इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, मतलब देखो इसका क्या है, सब रूल का भी सब रूल। अनुकंपा वित्तीय सहायता, दो तरह की अनुकंपा होती है, एक तो वित्तीय सहायता होती है, एक होती है नियुक्ति। वित्तीय सहायता पैसा मिलता है, नियुक्ति होती है नौकरी। अब कब मिलता है भाई, हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो नौकरी करने लायक ना हो, है ना भाई, भाई आपके घर में बच्चे ही ना हो, या ऑलरेडी भाई कुछ भी मतलब रीजन हो सकता है। तो आपके अगर आप नौकरी करने में आपके परिवार एलिजिबल नहीं है आपके बाद, तो वो वित्तीय सहायता ले सकता है। और अगर नौकरी करने के लिए एलिजिबल आपके परिवार में कोई, तो वो नियुक्ति ले सकता है, कोई नौकरी ले सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है जी, अब इससे अनुकंपा वित्तीय सहायता से क्या मतलब है, वो ये मतलब है जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके पात्र परिवारों को सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें एक स्पेसिफिक दर, विनिर्दिष्ट मतलब होता है स्पेसिफिक रेट के माध्यम से आपको मासिक सहायता दी जाती है। अब वो कितनी होती है वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, कि भाई आपको कितने महीने की सैलरी मिलेगी, आपको आधी मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो सरकार के अधिसूचना के अनुसार होता है। ये होती है वित्तीय सहायता। अब है दूसरा पॉइंट, नियुक्ति से क्या मतलब है, अनुकंपा नियुक्ति से क्या अभिप्राय है, मतलब जब भी कोई मृतक परिवार, सॉरी मृतक कर्मचारी, गुमशुदा कर्मचारी के एक पात्र परिवार के सदस्य की सेवा में रहते हुए या मृत्यु समय गुमशुदा कर्मचारी पर, यानी कि जिस पद पर कर्मचारी काम कर रहा था, कार्यात्मक वेतन, जिस लेवल पर, जिस वेतन पर वो काम कर रहा था, जिस ग्रेड पर वो काम कर रहा था, वेतन स्तर मतलब पे लेवल, जिस पे लेवल पे वो काम कर रहा था, उस पे लेवल से नीचे के स्तर पे आपको नौकरी मिलेगी, चाहे वो ग्रुप सी की भी हो सकती है, वो ग्रुप डी की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है जो काम, जो कर्मचारी था जिसकी डेथ हुई है, जो गुमशुदा हुआ है, वो किस स्तर पर काम कर रहा था, उसका पे लेवल क्या था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे एक नीचे, दो नीचे, जब भी जहां भी वैकेंसी खाली होगी तो वहां पे आपको ग्रुप सी या ग्रुप डी की नियुक्ति मिलेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप सी में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लर्क हो, क्लर्क हो 1900 ग्रेड का, 1900 ग्रेड पे काम कर रहा है, अब इसकी एसीपी भी लगेगी तो 8 साल के बाद लगेगी, समझ गए, और इसका ग्रेड है 1900 का। अब 1900 से नीचे ग्रेड क्या होता है, वो होता है ग्रुप डी का। तो अगर इस कर्मचारी की 6 साल नौकरी करने के बाद डेथ हो गई तो आप ग्रुप सी की नौकरी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपसे एक नीचे वाला ग्रेड मिलने वाला है, आप 1900 ग्रेड में थे, 1900 से नीचे ग्रेड कौन सा आता है, ग्रुप डी का आता है, तो आपके परिवार को ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप ग्रुप सी में किस पद पर हो, उसी हिसाब से आपके परिवार को नौकरी मिलेगी, उससे निम्न स्तर पे, इक्वल पे नहीं मिलेगी, समझ गए। पहले एक सुना था मैंने, पता नहीं मुझे पहले क्या होता था, लेकिन यूपी में सुना था मैंने, ये था यूपी में जो रूल कहता है कि भाई जो कर्मचारी काम करता था, अभी वहां पे भी शायद रूल चेंज हो गया, अगर कोई कर्मचारी कॉन्स्टेबल है, ठीक है, कॉन्स्टेबल है, उसकी डेथ हो गई और उसका बच्चा ग्रेजुएट है, तो उसके बच्चे को भाई साहब सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी मिली है यूपी में। यानी कि यूपी में क्या होता था पहले, कि जो उसका डिपेंडेंट है परिवार वाला, वो किस क्वालिफिकेशन का है, उसके हिसाब से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब शायद वहां पे भी रूल चेंज हो गया है। लेकिन वहां पे ये रूल है कि जिस कर्मचारी, जो कर्मचारी जिस पद पर था, अगर आप उस पद की क्वालिफिकेशन, जो भी उसका क्राइटेरिया वो पूरा करते हो, तो आपको उस पद पर भी नौकरी मिल जाती है, लेकिन हरियाणा में एक लेवल नीचे मिलेगी। अब देखो गया क्या कहता है कि मृतक जो कर्मचारी है,
मृतक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी से मतलब है नियमित आधार पर सेवा करते हुए मृत्यु, मतलब परमानेंट कर्मचारी यहाँ पे डीसी रेट कौशल रोजगार वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अगला बी पॉइंट क्या कहता है, घ क्या कहता है, आश्रित का अभिप्राय, आश्रित से मतलब क्या है, आश्रित का मतलब होता है कोई पारिवारिक सदस्य जिसकी सभी शर्तों से कुल आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर विहित महंगाई राशि धनराशि से कम हो, मतलब कि जो उसका पारिवारिक सदस्य है जो आश्रित कह रहा है अपने आप को कि भाई मैं इसका आश्रित हूं मुझे नौकरी दो, तो उसकी जो टोटल उसकी इनकम है स्रोतों से सभी स्रोतों से कुल इनकम है वो न्यूनतम पारिवारिक पेंशन, अब ये बुढ़ापा पेंशन नहीं है, कभी कोई सोचे 2,500 रुपये हर महीना, नहीं, ये एक पारिवारिक पेंशन सरकार द्वारा समय समय पर डिक्लेयर की जाती है। जैसे मुझे इसका एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है लेकिन जहां तक मेरा आइडिया कहता है तो 1,80,000 आज के टाइम में सरकार ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि 1,80,000 से कम है वो गरीब माना जाएगा, यानी वो, और उससे ज्यादा है तो वो नॉर्मल माना जाए, शायद वो उतना हो सकता है, मुझे पक्का इसका फिगर याद नहीं है, यानी कि उस पारिवारिक पेंशन से कम आपका अगर टोटल आय है तो आप उसके आश्रित में गिने जाओगे, अगर आपका इससे ज्यादा जा रहा है तो आप उसके आश्रित में काउंट नहीं कर सकते। कोई भी इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे परिवार की नहीं, मान लो उसके दो लड़के हैं, एक लड़के की इनकम अच्छी है एक लड़का कुछ नहीं करता, तो जिसकी इनकम अच्छी है तो वो उसका डिपेंडेंट नहीं कहला सकता, वो डिपेंड करेगा आगे कि कौन सा लड़का है, वो आगे बताऊंगा डिफाइन करूंगा कि पहले दावा कौन सा लड़का करेगा, कौन सी लड़की दावा करेगी पहले, उसकी डेफिनेशन आगे है। और टिप्पणी क्या की है, देखो माता पिता भी सरकारी कर्मचारी का आश्रित समझे जाएंगे, ऐसा नहीं कि उसके केवल पत्नी और बच्चे, नहीं, उसके मम्मी पापा भी डिपेंडेंट समझे जा सकते, कैसे, यदि उनकी संयुक्त आय, मम्मी पापा दोनों की आय संयुक्त कह रहे हैं, वहां पे ऊपर जो था वो इंडिविजुअल की थी, यहाँ पे मम्मी पापा की संयुक्त आय वही सेम है, समय समय पर ये है, और अगर अविवाहित असक्त सहोदर भाई बहन बहनों के भी सरकारी कर्मचारी के रूप में आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी न्यूनतम आय पारिवारिक पेंशन से, यानी कि उसके अगर अविवाहित भाई बहन है तो वो भी उनको भाई मान सकता है सरकारी कर्मचारी के आश्रित, लेकिन उनकी भी कंडीशन सेम है, वो जो न्यूनतम पारिवारिक पेंशन उससे कम होनी चाहिए। परिवार के पात्र सदस्य से क्या अभिप्राय है वो देखो, उसका मतलब होता है प्राथमिकता के क्रम में वित्तीय सहायता या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाला मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी का पति पत्नी या परिवार का आश्रित सदस्य है, वो होता है परिवार, ठीक है, प्राथमिकता का क्रम क्या होगा वो आगे आपको पता चलेगा। अब देखो पहले अनुकंपा वित्तीय सहायता के प्रायोजन होती परिवार से अभिप्राय, आपने परिवार की डेफिनेशन तो समझ ली, अब क्या है कि जो क्रम होगा यानी कि एक ऑर्डर होता है कि पहले कौन दावा करेगा, अगर वो पहले वाला दावा करने लायक नहीं है तो दूसरा कौन दावा कर सकता है, वो डेफिनेशन अब आएगी इसमें कि पहले कौन करेगा। देखो सबसे पहला, ये पहला रूल क्या है, इस पहले रूल में कुल मिलाकर ये है कि सबसे पहले उसका दावा करने वाली उसकी पत्नी मानी जाएगी, वो जो सरकारी कर्मचारी है सबसे पहले दावा उसकी पत्नी करेगी कि भाई मुझे पारिवारिक पेंशन दो या मुझे नौकरी दो, वो डिपेंड करता है उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सबसे पहले वो, उसमें भी अलग अलग है, कोई विधवा है या किसी ने दूसरा विवाह किया है, किसी की दूसरी पत्नी है, किसी का डाइवोर्स हो रखा है, वो सारी चीजें इसमें बता रखी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर पहले वाला, देखो अब ध्यान देना, अब आपको सारे रूल ध्यान से देखने हैं, अगर ये पत्नी वाला रूल फेल हो जाए, मतलब किसी की पत्नी ना हो, यानी कि डेथ हो गई हो पहले पत्नी की, समझ गए ना, पत्नी की डेथ भी हो सकती है, या डाइवोर्स हो रखा हो, या पत्नी भी हो डाइवोर्स भी ना हो लेकिन वो उस क्वालिफिकेशन को पूरा ना करती हो, या उनके परिवार ने सहमति बना ली भाई मम्मी जी किसी की पत्नी है वो ये कहे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लड़के को या मेरे लड़की को नौकरी दे दो या वित्तीय सहायता दे दो, तो ये जो बात कर रहा हूं ना मैं, ये वित्तीय सहायता की बात कर रहा हूं, नौकरी की कंडीशन ये नहीं है, ये केवल पैसा किसको चाहिए, पैसे के मामले में सबसे पहले पत्नी। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर पहली वाली कंडीशन फेल हो गई, पत्नी वाली कंडीशन फेल हो गई भाई, पत्नी ही नहीं है किसी की, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, 25 वर्ष की आयु तक ज्येष्ठ अविवाहित तथा आश्रित पुत्र या पुत्रिया, मतलब जो भी उसका सबसे बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब जो एल्डर होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की हो लड़का हो, लेकिन क्या है उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, तो वो दावा कर सकते हैं कि हमें पैसा दे दो भाई, वित्तीय सहायता दे दो, वो दावा कर सकते हैं, दोनों में से जो भी
बड़ा होगा लेकिन 25 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अब क्या है भाई, दूसरी कंडीशन भी फेल है, हो सकता है भाई AUI इतना हो उसके बच्चे, हो सकता है 25 साल से ज्यादा हो बेशक AUI, तो दूसरी कंडीशन फेल। अब इस कंडीशन के आधार पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर दूसरी फेल हो गई तो क्या होगा, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वो ये कहता है भाई अगर उपरोक्त तो दोनों कंडीशन पत्नी वाली और अविवाहित और 25 साल वाली कंडीशन फेल हो गई तो फिर क्या होगा, तो फिर आश्रित ज्येष्ठ तलाकशुदा, मतलब जो तलाकशुदा है और बड़ा है, बड़ा कौन, या विधवा पुत्री, कौन सी, 25 साल की आयु तक, मतलब ऐसा हो सकता है भाई ऊपर वाली कंडीशन में तो क्या था कि वो अनमेरिड भी होनी चाहिए और 25 साल भी होनी चाहिए, लेकिन वो कंडीशन तो फेल हो गई। तो सरकार कहती है, नियम कहता है कि अगर कोई ऐसी लड़की है या कोई ऐसा उसका रुको रुको हाँ, या तो तलाकशुदा हो या उसकी विधवा पुत्री हो लेकिन 25 साल की उम्र से कम हो, और उसने दूसरा विवाह, ध्यान देना, उसने दूसरा विवाह अभी तक नहीं किया है, तो जब तक उसकी शादी दूसरी नहीं होती या जब तक वो कमाना शुरू नहीं करती तब तक उसको वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, समझ गए ना, या कोई किसी को तलाक दे दिया हो या विधवा हो गई हो, उसकी लड़की की बात हो रही है केवल, लेकिन उसकी उम्र 25 साल की आयु तक बस। हो सकता है किसी की शादी, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई वैसे मत लेना, किसी की शादी 20 साल की लड़की की शादी कर दी, 21 साल में उस लड़की के पति की डेथ हो गई, तो अब वो 21 साल की उम्र है, तो पहली वाली कंडीशन तो फेल हो गई थी कि वो वैवाहिक नहीं थी, मैरिड थी वो, तो ये कंडीशन तीसरी वाली में फिट होती है कि वो विधवा भी हो गई और उसकी आयु 25 से कम है, तो जब तक उसकी एज 25 साल नहीं होती है या जब तक वो कमाना शुरू नहीं करती है, जब तक वो भाई दोबारा विवाह नहीं करती है या 25 साल की जो भी कंडीशन पहले पूरी हो जाएगी तब उसको ये जो सहायता वो बंद हो जाएगी, तब तक उसको सहायता मिलेगी, तो तीसरी कंडीशन इसकी है। चौथा पॉइंट, अब जो ऊपर के तीनों पॉइंट है वो भी एलिजिबल ना हो, यानी कि उन तीनों पॉइंट में कोई भी कैंडिडेट फिट नहीं बैठ रहा है, फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है कि ऊपर के तीनों पॉइंट अगर कोई बंदा है नहीं उसमें फिट बैठने वाला, तो फिर क्या है, 25 वर्ष की आयु से ऊपर की अविवाहित विधवा तलाकशुदा पुत्रियों में से ज्येष्ठ पुत्री, तो क्या हुआ कि अगर कोई ऊपर वाले तीनों कंडीशन फेल होने के बाद 25 साल की आयु से ज्यादा चली गई कोई लड़की, चाहे वो फिर मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड नहीं, अगर वो अनमैरिड है या वो विधवा है या उसका तलाक हो गया, तो उनमें से चाहे वो एक पुत्री हो चाहे दो पुत्री हो, एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर दो हैं तो उनमें से जो बड़ी पुत्री होगी, ठीक है, बड़ी पुत्री भी कौन सी, जो इस कंडीशन में फिट होती हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बड़ी जो लड़की है उसकी शादी हो रखी है और वो सही सलामत हो सब कुछ, तो उसे छोटी वाली जो पुत्री है उसको फिर मिलेगा, वो अगला पॉइंट कहता है। तो पुनः विवाह की तिथि, जब तक वो दूसरा विवाह नहीं करती है, जब तक वो कमाना शुरू नहीं करती है तब तक वो वित्तीय सहायता ले सकती है। पांचवा पॉइंट, अगर ऊपर के चारों पॉइंट भी आपको फेल हो गए, वो एलिजिबल नहीं है पांचों चारों पॉइंट में, तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि ऊपर के चारों पॉइंट असफल होने पर पुत्र तथा पुत्री की आयु पर विचार किए बिना, मतलब फिर उनकी कोई भी एज हो चाहे 25 साल, कोई कंडीशन नहीं, कोई एज नहीं, जो मन विकार या अशक्तता या शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्तता से ग्रस्त, यानी कि कोई भी उसका पुत्र या पुत्री जो फिजिकली हैंडीकैप एक तरीके से, या वो एक तरीके से पागल है, या वो एक तरीके से कमाने योग्य नहीं है, कुल मिला के बात यह है कि वो बंदा कमाने योग्य नहीं है, उसमें कोई कमी हो, तो वो कोई भी एज हो उसकी, उसको एक्स ग्रेसिया के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जो भी बड़ा होगा उसको मिल जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे पुत्र में, सारे परिवार में दोनों पुत्र पुत्री ऐसे हो, कोई एक आधा ही हो सकता है बाई चांस, तो अगर दो कंडीशन हो गई, यानी कि किसी के दो बच्चे हैं दोनों ही फिजिकल हैंडीकैप है, तो फिर जो उनमें बड़ा होगा उसको मिलेगा, और अगर एक ही बंदा ऐसा है जो हैंडीकैप है और सब सही है, तो जो हैंडीकैप है उसको मिलेगा।
अब क्या है कि आपके परिवार में कोई हैंडीकैप भी नहीं है, पांचवा पॉइंट भी फेल हो गया, तो छठा पॉइंट क्या कहता है कि माता पिता जो पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे। अब आता है माता पिता का नंबर, वो उनकी भाई न्यूनतम पारिवारिक पेंशन महंगाई राहत से कम है, तो उनको एक्स ग्रेशिया के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी जो उसके माता पिता है। यानी कि सारे कंडीशन, पांच कंडीशन फेल होने के बाद छठा नंबर आता है माता पिता का। अब है सातवां पॉइंट कि भाई माता पिता भी उस कंडीशन में नहीं है या माता पिता ही ना हो उस बंदे के, तो क्या होगा। सातवां पॉइंट कहता है अविवाहित शारीरिक रूप से अशक्त सहोदर भाई बहन बशर्ते पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी हो। यानी कि उसका सहोदर का मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है जो उसका सहोदर का मतलब शायद वो होता है सबलिंग, मतलब सोतेले, सोतेला जो होता है ना वो वाला, लेकिन अनमैरिड होना चाहिए और शारीरिक रूप से एक तरीके से हैंडीकैप हो, तो फिर उनको मिलेगा। सातवां पॉइंट ये कहता है। अब क्या है टिप्पणी वन, विधवा से अभिप्राय है जो भी कर्मचारी मरा है या जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है उसकी विवाहित पत्नी है ना, उससे विवाह हो, विधवा वो मानी जाएगी। पंचायत या सामाजिक संगठनों के द्वारा अगर कोई तलाक दिया गया है तो वो तलाकशुदा महिला नहीं मानी जाएगी, तलाक होना चाहिए बिल्कुल तरीके से। टिप्पणी तीन क्या कहती है कि पुत्र या पुत्री के सरकारी कर्मचारी द्वारा हिंदू विधि या सवीय विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक बच्चे, देखो जो ये जो है ना सहोदर, सहोदर सॉरी अभी सहोदर वर्ड यूज आया था कहाँ पे, ये वाला कहाँ गया, ये रहा। तो मेरे हिसाब से सहोदर का मतलब सोतेले नहीं, ये है वो जो गोद लिया हुआ है ये सहोदर का मतलब, ठीक है, गोद लिया हुआ है। जहां तक मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेना, मुझे अभी ये पढ़ा जब याद आया कि इसमें क्या है कि दत्तक होता है गोद लिया हुआ बच्चा शामिल है, यानी कि विधि विधान से यानी कि लीगल तरीके से गोद लिया हुआ जो अपने माता पिता के साथ रह रहे, यानी कि गोद वो पहले लिया हुआ होना चाहिए जब वो जीवित था कर्मचारी, उस टाइम पे गोद लिया हुआ, यहाँ पे वर्ड लिखा है जब जीवित था, ये नहीं कि मरने के बाद कोई गोद ले ले किसी को, नहीं पहले से गोद ले रखा है तो। लेकिन इसमें क्या है सोतेले बच्चे शामिल नहीं होंगे, सोतेला नहीं है ये, गोद लिया हुआ बच्चा है भाई, सहोदर का मतलब गोद लिया हुआ। अच्छा टिप्पणी फोर क्या कहती है, यह उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा जो अनुकंपीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, चाहे पुत्र हो पुत्री माता पिता भाई बहन अभिभावक जैसी स्थिति हो, वर्ष में 2 बार वो मार्च में और सितंबर में वो जाकर के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अपने उस डिपार्टमेंट के कार्यालयाध्यक्ष को कि उसने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया है, या कोई विधवा है तो वो ये कहेगी मुझे मैंने पुनः विवाह नहीं किया है, या निसंतान विधवा जो है वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि भाई मेरी कोई इनकम नहीं है या ना मैंने दोबारा विवाह किया है, पुत्र पुत्री है तो वो भी यही कहेंगे, ठीक है। तो ये है अनुकंपीय वित्तीय सहायता के लिए, वित्तीय नौकरी सॉरी अनुकंपीय नियुक्ति यानी कि जो एक्सग्रेशिया में नौकरी मिलती है वो बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, अगली वीडियो आपको इस स्क्रीन पे अभी दिख जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप देखें जो आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इधर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ पे इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी। हरियाणा सिविल सर्विस रूल आपके लिए यहाँ पे सीरीज चली हुई है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।